सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। बात करेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था की 28वें वीडियो की, जो कि है संघीय विधायिका से संबंधित। संघीय विधायिका मतलब हमारी संसद, और हमारी संसद का ये पहला पार्ट है। पूरी जो संघीय विधायिका वाली सीरीज है, इसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, और उसका ये पहला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में, लोकसभा के गठन के बारे में, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में, उसके निर्वाचन कैसे होता है, योग्यताएँ क्या होती हैं, अधिवेशन कौन कौन से होते हैं, तो इन सब के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें हम भारतीय राज्य व्यवस्था संघीय विधायिका पार्ट फर्स्ट की, तो सबसे पहले भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, जिसमें सदन होते हैं या संसद होती है, और संसद का जो निचला सदन होता है उसके प्रति जो कार्यपालिका होती है या जो सरकार होती है, वो उसके प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है, और वो तभी तक वर्क कर सकती है जब तक कि लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त होता है या उसको विश्वास हासिल होता है। तो ये जो व्यवस्था कहलाती है संसदीय या संसदात्मक व्यवस्था या संसदात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। देखिए, संसद को जो है विधायिका भी कहते हैं या व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली 3 अंग होते हैं, विधायिका, व्यवस्थापिका मतलब वो संस्था जो कि कानून बनाने का काम करती है या नीति निर्माण करने का काम करती है। तो भारत के अंदर जो कानून बनाने का काम होता है या नीति निर्माण करने का काम होता है, वो संसद के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए विधायिका भी कहते हैं और संसद व्यवस्थापिका भी इसे कहा जाता है। कार्यपालिका होती है वो संस्था जो कि बनाए गए कानूनों को लागू करवाने का काम करती है, जिसमें सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद शामिल होती है, प्रधानमंत्री सहित। अगर बात करें संघीय विधायिका की, तो इसका जो उपबंध है संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 और 3 में किया गया है। अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। मतलब जो संसद होगी वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, उच्च सदन जो कि राज्यसभा है, और निम्न सदन जो कि लोकसभा है, और एक राष्ट्रपति, यानी कि एक राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 लोकसभा, इन तीनों सदनों से मिलकर बनी होती है संसद। तो इस प्रकार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनती है। तो ये एक प्रश्न है, ये बन सकता है और कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, मतलब कि बिना राष्ट्रपति के संसद पूरी नहीं होती। संसद का अभिन्न अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी अनुमति के बिना राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप नहीं लेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 शब्द आए हैं, एक आया है विधेयक, दूसरा आया है अधिनियम। विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल, और अधिनियम को इंग्लिश में कहते हैं एक्ट। मतलब जो कानून जो पारित होने से पहले उसे विधेयक कहते हैं, मतलब जो लोकसभा में होता है उस पर विचार किया जाता है, उस पर बातें की जाती है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वो जो कानून होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने से पहले तक विधेयक होता है, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो अधिनियम बन जाता है और फिर वो लागू हो जाता है। कुछ ऐसे विधेयक भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को राज्यसभा व लोकसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसन करने और लोकसभा को विघटित करने का भी अधिकार है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो कानून होता है, क्योंकि जो मेन काम है संसद का, विधायिका का, वो काम है कानून का निर्माण करना, और कानून कोई भी तब तक नहीं बन सकता जब तक कि लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर ना कर दिए जाए या राष्ट्रपति उसकी अनुमति ना दे दे, तो उसके बाद ही वो कानून बनता है। इसलिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों के तीनों संसद के अभिन्न अंग हैं। चलिए, इसी प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की भांति राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है उनको संसद का अंग बनाया गया है। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में संसद यानी कि सीनेट का जो होता है उसमें राष्ट्रपति उसका भाग, संसद का भाग नहीं होता, सीनेट का भाग नहीं होता। चलिए अब बात करेंगे लोकसभा की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे निचला सदन है, सबसे इम्पॉर्टेंट सदन है, सबसे लोकप्रिय सदन है, इतने सारे इसके नाम हैं।
देखिए, लोकसभा को सबसे पहले तो ये देखें, निचला सदन और उच्च सदन, उच्च सदन राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, जबकि लोकसभा हर 5 साल में भंग होती है। इसे लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के अंदर वो संसद सदस्य चुनकर आते हैं जिनको जनता सीधे चुनती है, इसलिए वो जनता से जुड़ा होता है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं वो। प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जब हम देखेंगे राज्यसभा लोकसभा की शक्तियों को पढ़ेंगे, तब आप पाएंगे कि राज्यसभा के पास लोकसभा की अपेक्षा कम शक्तियाँ हैं। अनेक प्रसंगों में संसद का आशय लोकसभा से ही लिया जाता है, मतलब संसद का मतलब लोकसभा ही कभी कभी लगाया जाता है। तो ये सिद्ध करता है कि लोकसभा कितना शक्तिशाली सदन है। अब वहीं सदस्य संख्या की बात करें तो मूल संविधान में, मूल संविधान का अर्थ होता है जिस दिन, यानी 26 नवंबर 1950 को जब संविधान बनकर हमारा कंप्लीट हुआ था, उस दिन सदस्य, जो लोकसभा की सदस्य संख्या थी वो 500 निश्चित की गई थी। लेकिन धीरे धीरे समय समय पर इसमें वृद्धि कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन 1974 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई थी, परंतु जब गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 पारित हुआ तो फिर इसकी संख्या को बढ़ाया गया और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निश्चित की गई, जो कि वर्तमान में भी यही सदस्य संख्या, अधिकतम मतलब 552 सदस्य हो सकते हैं। इनमें अधिकतम 350 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे, और जबकि 2 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इस तरह से 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, 530 राज्यों से, 20 संघीय क्षेत्रों से और 2 आंग्ल भारतीय वर्ग से। चलिए, वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 552 मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि 552 तक संख्या हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 ही है। हमारे यहाँ 7 जो हैं वो खाली नहीं कह सकते, मतलब 7 पे भी इलेक्शन नहीं होता, या ऐसी कोई सीटें ही नहीं बनाई गई हैं, मैक्सिमम 552 हो सकती हैं। इन सदस्यों में से 530 सदस्यों से संसद, 28 राज्यों से, वर्तमान में 29 राज्य हैं तो 29 राज्यों से, 13 जो हैं संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, जबकि संघीय क्षेत्रों से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 20 में से केवल 13 ही वर्तमान में निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य जो हैं आंग्ल भारतीय वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस प्रकार से कुल 545 हमारी सदस्य संख्या हो सकती है। भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रति 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना, जो जनगणना होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जनगणना होती है हर 10 साल में होती है, तो उसके आधार पर एक परिसीमन आयोग बैठेगा। परिसीमन आयोग जो होता है लोकसभा में राज्यों और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि की संख्या को निश्चित करेगा, ये व्यवस्था की गई थी। साहब, हर 10 साल के अंदर ये जो संख्या है, सदस्यों की संख्या, इस पर कौन काम करेगा, परिसीमन आयोग काम करेगा। परिसीमन आयोग हर 10 साल में बैठेगा, जब जनगणना हो जाएगी फिर उसके बाद ये जो सीटों की संख्या है इसमें चेंजेस किया जा सकता है। संविधान की इस व्यवस्था के अंतर्गत 1971 की जनगणना के आधार पर भविष्य के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, यानी कि 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके बाद परिसीमन आयोग बैठा और उसने तय किया कि अब आगे भारत की लोकसभा के अंदर कितने सदस्य निर्वाचित होंगे। 42वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ 1976, उससे पूर्व यह व्यवस्था थी कि 10 वर्ष पर जनगणना होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता था। ये 1976 से पहले की व्यवस्था। 1976 में क्या हुआ, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और ये निश्चित किया गया कि ये निर्वाचन क्षेत्र 2001 तक वही रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए थे, यानी कि ये फिक्स कर दिया गया कि अब हर 10 साल में चेंज नहीं किए जाएंगे। 1971 की जनगणना के आधार पर जो चेंजेस किए गए थे उतने ही सदस्य संख्या रहेगी, उसकी सदस्य संख्या यानी 545 की सदस्य संख्या को नहीं बढ़ाया जाएगा।
फिर 1971 में संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसमें एक और व्यवस्था की गई। इसमें ये परिवर्तन किया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तो 2001 के अनुसार ही रहेगी, लेकिन अनुसूचित जातियों के आरक्षित स्थानों का क्रमावर्तन करने के लिए सीमांकन आयोग स्थापित होगा और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों का क्रमावर्तन नहीं होगा। चलिए इसको समझते हैं क्या हुआ। देखिए क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि 2001 में जो हमने संख्या निश्चित कर दी थी 545, संख्या वही रहेगी, संख्या में चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज कहाँ होगा, जो SC यानी कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए जो आरक्षित स्थान हैं उन स्थानों में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी संख्या को स्थिति, जैसे आरक्षित एक अनुमान मान लीजिए कि 50 स्थान है अगर SC के लिए आरक्षित, तो 50 स्थान सीटें 50 ही रहेंगी स्थान, लेकिन आज कोई एक जिला उसके अंतर्गत आ रहा था या कोई एक क्षेत्र इसके अंतर्गत आ रहा था, उस क्षेत्र को हटाकर किसी दूसरे क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से चेंजेस किए जा सकते हैं, सीटों की संख्या ना तो घटाई जा सकती है ना बढ़ाई जा सकती है। तो ये किया, लेकिन जनजाति के मामलों में ये भी नहीं किया जा सकता। अगस्त 2001 में संसद द्वारा 91वां संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या से 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। फिर 2001 में एक और व्यवस्था की गई कि अब 2026 तक सीटों की संख्या यही रहेगी, यानी कि 545 ही सीटों की संख्या रहेगी, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। क्या किया जा सकता है, कोई क्षेत्र इधर से हटाकर उधर किया जा सकता है, नया क्षेत्र जोड़ा जा सकता है, पुराना क्षेत्र हटाया जा सकता है, क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन सीटों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि 545 सीटों में आज एक क्षेत्र किसी दूसरी विधानसभा में है, हो सकता है 10 साल बाद उसको चेंज करके किसी दूसरी लोकसभा क्षेत्र में जोड़ दिया जाए, लेकिन सीटों की संख्या को ना तो घटाया जाएगा ना ही बढ़ाया जाएगा, क्षेत्रों को चेंज किया जा सकता है। विधेयक में किए गए प्रावधानों के अनुसार सीटों की संख्या यथावत रखते हुए राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्सीमन किया जा सकेगा। इसके लिए बाद में परिसीमन आयोग एक संवैधानिक आयोग निकाय होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 1991 की जनगणना पर आधारित होगा, यानी जो पहले 1971 की जनगणना पर आधारित था वो अब 1991 की जनगणना पर आधारित हो गया। अब समझते हैं कि निर्वाचन यहाँ पर कैसे होता है, निर्वाचन की क्या व्यवस्था है। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब यहाँ पर जो सदस्य चुने जाते हैं उनके लिए जनता सीधे वोट करती है। वयस्क मताधिकार मतलब एक निश्चित आयु जो कि 18 वर्ष हमारे यहाँ मानी गई है, 18 वर्ष की जो कि वयस्कता की आयु है, इस आयु को पार कर करने वाले सभी लोग, ये इस तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई कर देता है नहीं देता, पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है, किस लिंग का है, किस भाषा को बोलता है, कौन सी जाति का, इस आधार पर कोई भी भेदभाव ना करते हुए केवल एक ही क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि 18 वर्ष की आयु जिसने क्रॉस की वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। यानी 61वें संविधान संशोधन यानी 1989 से पहले ये जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ उसमें ये व्यवस्था की गई कि 21 वर्ष नहीं 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को वयस्क माना जाए। अब लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल संसदीय रखे गए हैं। एकल संसदीय का मतलब होता है एक लोकसभा क्षेत्र से एक ही सदस्य हो सकता है। प्रतिनिधित्व का अनुपात कुछ अपवादों को छोड़कर यथासंभव समस्त देश में एक समान रखने का प्रयास किया गया है। किस तरह से एक समान रखने का प्रयास किया गया है कि जैसे कि कोई एक क्षेत्र है लगभग 10 लाख 12 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुनकर आए और ये सभी जगह से समान रूप से, यानी कि जिस प्रदेश के अंदर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पद ज़्यादा रखे गए हैं, जिस प्रदेश के अंदर जनसंख्या कम है वहाँ पदों को कम रखा गया है। तो एक निश्चित समान अनुपात में लोग चुन के आए, यानी कि एक जो MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाए वो लगभग लगभग बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व करें। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजाति हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित की गए थे, यानी कि रिजर्वेशन की जो व्यवस्था थी मूल संविधान के अंदर लोकसभा के अंदर वो 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे अवधि बढ़ाई जा रही है और वर्तमान में भी इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। 95वां जो संविधान संशोधन 2009 में हुआ उसके अनुसार 2020 तक अब ये स्थानों को आरक्षित कर दिया गया है। यानी कि जब संविधान बना था उसमें ये व्यवस्था थी कि ये जो आरक्षण है
संसद की सीटों के अंदर ये केवल 10 वर्षों के लिए है, उसके बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन फिर इसे हर बार बढ़ाया गया है और इस बार 2020 तक के लिए इसे निश्चित बढ़ा दिया गया है कि 2020 तक ये आरक्षित स्थान रहेंगे। चलिए अब देखते हैं सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार ये योग्यताएं होना चाहिए। नंबर एक योग्यता है कि वह भारत का व्यक्ति होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु उसकी होनी चाहिए। तीसरी, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण ना किया हो। लाभ का पद क्या होता है? ऐसा पद जिसके लिए उसे सरकार की तरफ से कोई पैसा मिलता है, कोई लाभ मिलता है, कुछ सुविधाएं मिलती हैं, वो सब लाभ के पद आते हैं। लेकिन मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा वह किसी न्यायालय द्वारा पागल ना ठहराया गया हो और दिवालिया घोषित ना किया गया हो। इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार जो है संविधान के द्वारा संसद को दिया गया है। मतलब ये योग्यताएं तो हमारा जो संविधान है उसने ही कह दिया कि ये व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ और योग्यताएं निर्धारित करना है कि ये होना चाहिए, कुछ एजुकेशन से संबंधित करना है, कुछ अपराध से संबंधित करना है, तो उसके लिए फिर जो हमारी संसद है उसको अधिकार दिया गया है कि वो इसके संबंध में कानून बना सकते हैं। और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पास किया और सदस्यों के लिए जो योग्यता निर्धारित की वो इस प्रकार से थी। पहली ये कि अनुसूचित जातियों यानी SC के लिए संबंधित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हों। मतलब SC के लिए कोई आरक्षित क्षेत्र है तो वहाँ पर SC से ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता, उस दूसरे किसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी प्रकार जनजाति से संबंधित सुरक्षित उम्मीदवारों के लिए भी आवश्यक है कि वे जनजाति के सदस्य हों। यानी कि ST से संबंधित कोई सीट है तो उस पर ही केवल ST का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। वे व्यक्ति समस्त भारतीय क्षेत्रों में किसी भी स्थान से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो सकते हैं, किंतु यह बात असम के स्वतंत्र जिलों और जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होती। मतलब ऐसे स्थान पर मालूम पड़ा कि कोई भी सीट जो SC के लिए आरक्षित है वो जरूरी नहीं, उस सीट का निर्वाचन जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। पूरे देश में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए उसे उसी क्षेत्र का मतदाता होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। लेकिन असम के कुछ जिले हैं और अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर ही केवल वहीं के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, उसके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। असम में जनजातियों के सुरक्षित स्थान से उम्मीदवार बनने के लिए उस जनजाति का होना और उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का या उस स्वतंत्र जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। मतलब असम में ये बाउंडेशन है, बाकी भारत में कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाके चुनाव लड़ सकता है। तमिलनाडु का व्यक्ति मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में जो कोई व्यक्ति SC का है तो वो मध्य प्रदेश में SC के स्थान से चुनाव लड़ सकता है। राजस्थान का कोई व्यक्ति SC का है तो वो पंजाब के किसी SC के लिए अगर आरक्षित क्षेत्र है तो वहाँ से चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है। चलिए अब बात करेंगे सदस्यों के लिए योग्यताओं की। तो अन्य किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत में किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है, अर्थात किसी भी निर्वाचक क्षेत्र से उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। पहली चीज़ यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है वो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचक के चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए ऐसा बाउंडेशन नहीं कि उसी स्थान से उसका निर्वाचक होना जरूरी है। निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को निर्वाचक आयोग द्वारा संसद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी कि कोई निर्वाचन चुनाव संबंधित किसी ने कोई अपराध कर दिया और अपराध को दोषी सिद्ध किया जा चुका है तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो है निर्वाचन आयोग चुनाव लड़ने से रोक सकता है। उसने किसी अपराध के लिए यानी निर्वाचन संबंधी अपराध के अलावा कोई और अपराध किया है, उसके लिए 2 वर्ष से अधिक सजा ना पाई हो और उसे जेल से छूटे 5 वर्ष से अधिक हो गए हों। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको 2 साल से अधिक सजा हुई है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके अलावा यदि उसे जेल से छूटे हुए 5 साल से कम हुए हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि 2 वर्ष से कम सजा उसे मिली हो तो वो चुनाव लड़ सकता है और 5 साल से अधिक हो गए हैं उसे जेल से छूटे हुए तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये 2 कंडीशन बनती है। उसे सरकार के संबंधित किसी ठेके में हिस्सेदार नहीं होना चाहिए, नहीं सरकार से संबंधित किसी कारखाने में उसका कोई हित होना चाहिए।
उसे बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से ना निकाला गया हो, इस प्रकार के अपराध के 5 वर्ष बाद ही संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। यानी कि कोई उसने अपराध नहीं किया हो, कोई बेईमानी नहीं की हो, कोई राजद्रोह नहीं किया हो और इसके कारण उसे सरकारी नौकरी से नहीं निकाला गया हो। यदि ऐसा किया हो उसने ऐसा कोई अपराध, तो 5 वर्ष बाद, उसके अपराध के 5 वर्ष बाद वह संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। दिसंबर 1998 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर आतंकवादी गतिविधि, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों, दवाओं में मिलावट करने वाले, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम फेरा जो है उसका उल्लंघन करने वाले तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी संसद राज्य के विधानमंडल का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो ये और अयोग्यताएँ हैं या योग्यताएँ हैं किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए। उसके अलावा जनवरी 1992 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान यदि किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए तो चुनाव स्थगित नहीं होंगे। चुनाव स्थगित तभी होंगे जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, चुनाव आयोग में जो पंजीकृत दल है, उसके उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव हुए नहीं है कंप्लीट, और उससे पहले ही बीच में ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है जो चुनाव के अंदर भाग ले रहा है। यदि वो निर्दलीय है तो चुनाव स्थगित नहीं होंगे, लेकिन यदि किसी वो मान्यता प्राप्त दल का सदस्य है तो उस क्षेत्र का या उस जगह का चुनाव जो है वो स्थगित हो जाएगा, उसका चुनाव बाद में होगा। वहीं कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 8 बार किया गया है। 1970 में किया गया है, 77 में किया गया है, 79 में किया गया है, नवंबर 1984 में किया गया है, नवंबर 1989 में किया गया, मार्च 1991, दिसंबर में किया गया और अप्रैल 1999 में ऐसा किया जा चुका है। संकटकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकता है। विधि द्वारा मतलब संसद कानून बनाकर, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। यानी कि अगर संकटकाल है, आपातकाल लागू हो चुका है और आपातकाल लागू होने के समय चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो जो संसद है वो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है और लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में, एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और ऐसा 1976 में किया गया। चलिए बात करते हैं हम अधिवेशन की। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में यह नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि अधिवेशन जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही उन्हें स्थगित किया जाता है, यानी समाप्त किया जाता है। इसके बारे में केवल यही नियम है कि 2 जो बैठक हों, यानी उन 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से कम समय में 2 बैठकों को आयोजित किया जाना आवश्यक है। वहीं संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक 1 सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, यानी कि ऐसी 3 कंडीशन बनती हैं जबकि जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 108 में इसकी व्यवस्था की गई, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 108 में ये व्यवस्था की गई है। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है, जब एक सदन के द्वारा, एक हाउस के द्वारा जो विधेयक है, बिल है, उसको पारित कर दिया गया और दूसरे सदन में जाता है, तो दूसरे सदन में विधेयक अस्वीकार कर दिया जाए तो पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच उन जो विधेयक हैं उनमें राज्यसभा कुछ और संशोधन चाहती है, लोकसभा उसमें वो संशोधन नहीं चाहती, या लोकसभा कुछ और संशोधन चाहती है, राज्यसभा कुछ और संशोधन चाहती है, तो इस तरह से दोनों मत एक दूसरे से सहमत ना हो, तब दूसरी कंडीशन बनती है। तीसरी कंडीशन कब बनती है, जब सदन को विधेयक प्राप्त होने की तिथि से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हो। मान पला लोकसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया, वो राज्यसभा को सेंड किया गया, पहुंचाया गया और राज्यसभा ने 6 महीने तक उसे पारित नहीं किया, तो इन 3 कंडीशन में जो होता है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन यानी कि दोनों के एक मीटिंग बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होता है वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक के भाग्य का जो निर्णय होता है दोनों सदनों के समस्त उपस्थित
और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है। यानी कि वो जो विधेयक है वो पारित होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो टोटल दोनों सदनों के जो टोटल सदस्य उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होने के बाद जितने लोगों ने मतदान में भाग लिया है उनमें से आधे से अधिक लोगों ने उसके लिए यस किया हो तो वो पारित हो जाएगा और नो किया हो तो वो रद्द हो जाएगा। वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, अतः वित्त विधेयक संयुक्त अधिवेशन में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यानी कि कोई वित्त विधेयक होता है या धन विधेयक होता है तो उसके संबंध में कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक के संबंध में होता है। विधेयक तीन प्रकार के होते हैं, एक साधारण विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक या धन विधेयक होता है और तीसरा जो होता है संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो जो साधारण विधेयक के संबंध में ही संयुक्त अधिवेशन हो सकता है और कहीं भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की गई है, तो ये व्यवस्था थी इसके तहत। चलिए, ये हमारा जो वीडियो है आज के वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में हमें शेयर करके जरूर बता शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।